हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट फोर किंगडम्स ऑलरेडीड मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाए एंड प्लांट किंगडम तो जिस तरह से इनमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर देते हैं सिमिलरली एनिमल किंगडम के अंदर भी एनिमल्स को इसी तरह डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके उनको क्लासीफाई किया जाता है तो इनके जो क्राइटेरिया हैं दे आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिट्री बॉडी कैविटी और सीलम फाइलम इन सारे क्राइटेरिया के बेस पे अलग अलग फाइलम के अंदर इनको डाला जाता है जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है तो पॉलिफ्रा है फिर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है तो फर्दर हम सिमिट्री के बेस पे कि वो रेडियल सिमिट्री है या बायोलिट्रल सिमिट्री है उनको आगे डिवाइड करते हैं जैसे कि रेडियल सिमिट्री वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे फाइलम नाइडेरिया और फाइलम के अंदर और जो सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कम अंडर फिर सीलम पे फर्दर उनका डिविजन होता है ए सीलोमेट्स है तो प्लेटी हेलमेंथेस फॉल्स सीलम है तो एसकेलम्थेस और अगर सीलोमेट्स है यानी कि मिट्रो सीलम है तो देन दे में भी। क्लासीफाइड इन ग्रुप लाइक एनलीडापोडाटा हेमिकॉडेटा एंड कॉडेटा तो नेक्स्ट वी गो ऑन टू डिस्क्राइब ऑल दीज क्राइटेरिया तो जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि बॉडी के अंदर या तो सिंगल सेल है सिंगल सेल तो होता नहीं यू इसके अंदर ये मल्टी सेलुलर है तो बेसिकली मल्टी सेलुलर सेल्स हैं यानी कि एक से ज्यादा सेल्स हैं लेकिन वो लूजली अरेन्ज हैं बॉडी के अंदर तो वो एक तरह के फंक्शन या उनके अंदर थोड़ा बहुत लेवल के ऊपर आप कह सकते हो डिजन ऑफ लेबर है इन सेल्स का तो ये परफॉर्म करते हैं एग्जाम्पल इसका स्पॉन्च है देन वी गो ऑन टू डिस्क्राइब टिश्यू लेवल जिसमें आप टिश्यू आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन ऑर्गन्स आर द ग्रुप ऑफ टिश्यूज

वही दूसरी तरफ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर कम्पलीट डाइजेस्टिव सिस्टम है अब इट इनकम्प्लीट और कम्प्लीट तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर आ गया अगर आ उसमें सिंगल ओपनिंग है तो उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं दैट मीन्स कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी की तरफ एक ही ओपनिंग है वही ओपनिंग सिंगल ओपनिंग माउथ का भी काम करेगी और एनस का भी, भी। यानी इन जो उसके अंदर जो भी इनपुट है आउटपुट है वो सारा एक सिंगल ओपनिंग से हो रहा है वही दूसरी तरफ जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग्स होती हैं माउथ एंड एनस देन सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी तरह से दो uh, तरह से होता है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप तो ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी uh, सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी ब्लड हार्ट से पंप आउट हो रहा है वो पूरा का पूरा बॉडी में फैल जाता है और जितने भी सेल्स या टिश्यूज हैं वो सारे डायरेक्टली बेद इन टू इट दैट मीन्स देर आर देर इज नो ब्लड वेसल फॉर कैरिंग द ब्लड लेकिन जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेट होता है दैट इज इन सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर्चरी वेन और कैपिलरी जो हैं वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं तो सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स दे आर नॉट डायरेक्टली बेदिंग इन द दिस ब्लड मिट्री uh, किस तरह से सिमिट्री जो है ये एक क्राइटेरिया बनती है फॉर ग्रुपिंग अप ऑफ एनिमल्स तो तीन तरह से एनिमल्स को ग्रुप किया जा सकता है ए सीमिट्रिकल रेडियो सिमिट्री एंड बायोलॉज तो ए सीमेट्रिकल होता है अगर कोई भी एक प्लेन है वो किसी सेंटर में कहीं से भी कोई प्लेन पास करे तो भी वो उस बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकता इंटू टू इक्वल हाफ्स तो इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जेस है और इस तरह के एनिमल को बोलते हैं ए सीमेट्रिकल एनिमल वहीं दूसरी तरफ अगर रेडियो सिमेट्रिक क्या होती है अगर एक कोई भी ऐसा प्लेन है जो सेंटर एक्सम से पास करता है और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है तो उन्हें हम रेडियल रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं एग्जांपल आ जाता है सीरन ट्रेट सीनोफोज एकाइनोडम्स ये सभी का इस तरह का बॉडी प्लान है देन बायोलेट्रल सिमेट्री में क्या होता है एनिमल्स लाइक एनालेट आर्थ्रोपॉड एनलेट द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ इन ओनली वन प्लेन तो जहां रेडियल सिमेट्री के अंदर किसी भी प्लेन से अगर करते हैं तो दो इक्वल हाफ हो जाते हैं बायोलेट्रल सिमेट्री में सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होता है एनिमल्स uh, के अंदर जिसमें अगर हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में आ जाएगा देन डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स यहाँ पे अब जर्म लेयर्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है इनटू डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि जिनके सेल्स जो हैं वो दो लेयर्स के अंदर दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स के अंदर डिवाइडेड हैं और एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म तो सीलेंट्रेड इसका एग्जाम्पल है देखो ये एक्सटर्नल जो है एक्टोडर्म है और ये अंदर सेल की लेयर जो है दिस इज एंडोडर्म और लेकिन बीच में उसके क्या है मिजोग्लिया है तो मिजॉग्लिया अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसके अंदर सेल्स नहीं है तो ये इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म को वही दूसरी तरफ जो ट्रिप्लो एनिमल्स होते हैं इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और तीसरी लेयर है जिसको बोलते हैं मिजोडर्म तो ये थर्ड जर्मिनल लेयर मिजोडर्म जो है इसकी प्रेजेंस की वजह से इसमें हम कहते हैं कि तीन जर्म लेयर्स हैं और इट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल तो प्लेटी हेलमेंथे से लेके कॉरेट सबके जो फाइला हैं दे ऑल कम अंडर दिस पर्टिकुलर ट्रिप्रोब्लास्टिक कैटेगरी सीलम then next criteria is talking about the body cavity which is lined by mesoderm तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी मेसोडर्म से lined होती है तो हम कहते हैं कि वो सीलोमेट है या वो सीलम उसके अंदर प्रेजेंट है

और इसका एग्जाम्पल है एसकेलम और एनिमल्स जिनके अंदर ये एबसेंट होता है दे आर कॉल्ड तो ये सिलोमेट्स हैं जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट है है ये है, जिनके अंदर एज पाउचेस प्रेजेंट है और ये ए सीलोमेट है जिसके नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेगमेंटेशन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली कुछ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट ऑर्गन्स तो इनको हम कहते हैं कि इनकी बॉडी एक पैटर्न शो करती है जिसको मेटामैरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और फिनमिना को बोलते हैं मेटामैरिज्म तो अर्थवर्म इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है देन लीच इज देयर तो ये सारों के अंदर आप सेगमेंट्स हैं तो इसीलिए इनको मेटामैरिज्म का एग्जाम्पल माना गया है और नोटोकॉड इज अ अजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉल्स साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स तो तो जिन, जिन के अंदर अंदर होता होता है उनको उनको कहते कहते हैं तो हैं और ये नहीं से लेके तक जो हैं ये लेकिन जो के बाद के होते हैं दे ऑल कम अंडर कॉर्डेट्स और अगर देखो कॉर्डेट्स के अंदर ही देन वी क्योंकि आपको पता है कि जो अगर ये नोटोकॉर्ड एम्ब्रॉनिक स्टेज के अंदर जो प्रेजेंट है जैसे जैसे एनिमल बड़ा होगा वो ग्रो करेगा तो ये दिस गेट्स कन्वर्टेड इन टू वर्टिपल कॉलम और तब हम उनको एनिमल्स को वर्टिपलेट्स भी बोलते हैं सो दीज आर द वेरियस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच द एनिमल्स आर बींग डिवाइडेड इन टू डिटाइल डिफरेंट फाइला और उनको एक एक करके हम ने, नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट uh, इस तरह की वीडियो में पढ़ेंगे समझेंगे पर अभी के लिए ये सारे क्राइटेरिया आपके लिए समझने ज़रूरी हैं एंड दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एवालएशन पॉइंट ऑफ व्यू सो प्लीज़ डू स्टडी देंड केयरफुल